अच्छा चंगा बता रहे हैं आप मुनीर जी, पर पहले कौन से ठट्टे कुएं में छुपा हुआ था आपके दोस्त का साला? अरे भाई, हर चीज के लिए वक्त लगता है सलीका, और वैसे भी अपनी सगी बहन के लिए बात करता हुआ बंदा थोड़ा सा अजीब ही लगता है। एवी अजीब लगता है, कुड़ी को ब्याना है हमने, भगाना तो नहीं है। हिम्मत कैसे मारी है आपने? सोहेल ने जिक्र किया अपने साले का, तो मुझे अचानक बिट्टू याद आ गई, बस मैंने भी हिम्मत मार के बात कर ही ली। फैक्ट्री अपनी है उसकी? अरे हाँ हाँ, फैक्ट्री ही नहीं, डिफेंस में बंगला और कई प्लॉट भी हैं उसके, और ना कोई आगे है ना पीछे, अकेली राज करेगी बिट्टो। अरे मुनीर जी, मैं तो कहती हूँ सुबह बुलवा ले उन लोगों को, जल्दी से वो बिट्टो को देखे ताकि मामला आगे बढ़ाए। और एक बहुत जरूरी बात बता रही हूँ, माँ जी को भी बता दूंगी, जब तक ये रिश्ता सिरे नहीं लगता ना, कोई लोड़ नहीं सज्जे खब्बे धमाल डालने की। मोने चाचा, फराज फोन ही नहीं उठा रहे और असफी भी अभी तक घर नहीं आया यूनिवर्सिटी से। हाँ, कॉल आई थी फराज की मुझे, वो असफी को लेके जरा साइट एरिया की तरफ गया किसी काम से। अच्छा, वैसे आप फराज को कहे ना असफी को अपने साथ लगाए, उसका लाओ बालीपन जरा कम हो। हाँ हाँ, कह दूंगा कह दूंगा कह दूंगा। शुक्र है अब्बा, मेरे जहाज जाने की इजाजत दे दी। क्या जरूरत थी ये फरमाइश करने की? हाँ, निकाह के बाद तो गिफ्ट बनता ही है ना। अच्छा चलें, जल्दी करें ना, मुझे देर हो रही है, घर भी जाना है। अब तुम्हारा घर वही है जहाँ मैं हूँ। सबसे बड़ा पागल मैंने इस दुनिया में नहीं देखा, चलें। बतूल मोहब्बत चीज ही ऐसी है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा बतूल, ऐसे लग रहा ख्वाब देख रहा हूँ। अच्छा हम रुक क्यों गए हैं, चलें। अब तो ये कदम तभी चलेंगे जब मैं तुम्हें रिंग पहनाऊंगा। वो मैं खुद ही पहन लूंगी, गाड़ी में बैठ के भी चलने देर हो रही है। बतूर, तुमसे अनरोमांटिक कोई भी नहीं होगा। हाँ वो आ रहा है, और दो मिनट से कूटू दे दो यार, आ रहा हूं। हाँ तो सारा जमाना ही जालिम समाज हो चुका है। मैं तब तक नहीं उठूंगा अब्दुल जब तक मैं ये तुम्हें रिंग ना पहना दो। अच्छा जल्दी करो पहना।